खवातीन व हज़रात, इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी आपकी सेहत के लिए, आपकी आगाही के लिए, आपको मालूमात पहुंचाने के लिए मज़ामीन आपकी समाअत के लिए पेश करती है। हम मुसलसल बैक्टीरियाज़ के बारे में आपकी मालूमात इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इन बीमारियों से बच सकें। आलमी इदारे सेहत ने टीबी की तबाहियों को मद्देनज़र रखते हुए इसे आलमी आफत करार दिया और हर साल 24 मार्च को टीबी का आलमी दिन इसलिए मनाया जाता है कि अवाम उन्नास इस मर्ज से मुतालिक बुनियादी मालूमात और बचाव के तरीके जान जाएं। दुनिया भर में आलमी दिन के हवाले से हर साल मुख्तलिफ स्लोगन मुतारफ कराए जाते रहे हैं। इस साल 2012 के लिए वर्ल्ड टीबी डे के हवाले से स्लोगन स्टॉप टीबी इन माय लाइफ टाइम है, जिसके ज़रिए ये पैगाम दिया जा रहा है कि पूरी दुनिया को इस मर्ज से महफूज बनाया जाए। इस स्लोगन की मदद से दुनिया भर के इंसानों को, चाहे वो नौजवान हों या बूढ़े हों, उन्हें इस बात की तरगीब दी गई है कि सब मिलकर टीबी के खात्मे के लिए आवाज़ बुलंद करें ताकि टीबी का खात्मा उनकी ज़िंदगी में ही हो जाए। टीबी के मरीजों और उनके अहल खाना को इस मर्ज से मुतालिक बुनियादी मालूमात और ज़रूरी हिदायत फराहम करना ज़रूरी है। अगर आप और आपके घर का कोई फ़र्द टीबी के आरज़ में मुबतला है तो ये बात जहन नशीन कर लें कि यह मर्ज 100% काबिल इलाज है और पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर इसका मुफ्त इलाज आलमी इदारे सेहत के तजवीज़ करदा प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। बहुत से दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी टीबी पर काबू पाने के तरीक़ेकार को बेहतर बनाने के लिए ख़ास तौर पर काम हो रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम हर फर्द को इस तरह यानी पैगाम पहुँचाएँ कि वो टीबी से बचने के लिए खुद अपने आप को, अपनी फैमिली को बचाने के लिए टीबी के फैलने के बारे में मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर और अपने साथियों को ये मालूमात पहुँचाकर टीबी से बचाएं ताकि ये मर्ज़ कंट्रोल में आ सके।